हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। दोस्तों, डेली बेसिस में आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट दे रही हूँ, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। ये बीपीएससी 2023 टीजीटी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, आपके पास टाइम नहीं है। इस सब को देखते हुए मैंने चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक का एमसीक्यू के माध्यम से एक्सप्लेन करते हुए आपके समक्ष मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। आप डेली बेसिस से बस मेरे साथ बने रहिए, जरूर सफलता मिलेगी एंड अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, ये केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए सभी कंपटिटिव एग्जाम्स के अभ्यर्थी इसको डेली बेसिस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, एक लंबी दूरी की धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए। व्हाट इज द हाईएस्ट डोजेज ए लॉन्ग डिस्टेंस रनर शुड टेक। लॉन्ग डिस्टेंस रनर यानी कि इसमें एंड्योरेंस डेवलप हो रहा है, एंड्योरेंस वाले जो भी क्रियाएं होंगी लंबी समय की, उसमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, अधिक एनर्जी की। सबसे जल्दी एनर्जी देता कौन है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो एक लंबी दूरी की धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सारी गतिविधियों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह शरीर को तेजी से ऊर्जा ताकत प्रदान करता है और शरीर में लंबे समय के लिए इन्हें भंडारित नहीं किया जा सकता। जिन खेल क्रीड़ा गतिविधियों में अधिक सहनशीलता की आवश्यकता होती है, वहां खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। वैसे तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, सरल शर्करा और जटिल शर्करा। सरल शर्करा जो होता है पाचन में आसान होता है, जिसमें मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड आता है, और जटिल शर्करा में पॉलीसैकेराइड आता है। जो मोनोसैकेराइड होता है, शर्करा यानी ग्लूकोज के एक अणु से बना होता है, और डाइसैकेराइड शर्करा के दो अणु से बना होता है, और पॉलीसैकेराइड शर्करा के दो से अधिक अणुओं से बना होता है। मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज आता है। डाइसैकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आता है, एंड पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, कैटिन आदि आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को किससे मापा जाता है। हाउ इज द एनर्जी ऑफ फूड मेजर्ड, इसको मापा जाता है कैलोरी में, यानी कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। भोजन द्वारा मिलने वाली ऊर्जा की मूल्यवत्ता को ऊष्मा इकाइयों अर्थात कैलोरी या किलो कैलोरी के द्वारा जाना जाता है। एक कैलोरी बराबर वह मात्रा होता है जो एक ग्राम जल का तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषिक शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, का अर्थ है वह ऊर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज ए टर्म यूज्ड बाय एथलेटिक टू मीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी कैन यूज टू प्रोड्यूस। तो इसको हम कैसा यूज कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को, हमारी मांसपेशियों में जमा करना। इसका राइट आंसर होगा स्टोर्ड इन आवर मसल्स। यानी कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का अभिप्राय ऊर्जा की उस मात्रा से है जो खिलाड़ियों के मांसपेशियों में स्टोर यानी जमा होता है। इसका उपयोग सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस स्पर्धाओं में प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज द मेन पार्ट ऑफ फूड। तो किसके लिए प्रोटीन मेन पार्ट ऑफ फूड होता है। तो दोस्तों, प्रोटीन मसल्स को, उत्तकों को डेवलप करता है। तो
उसमें सबसे ज्यादा मसल्स की बात, जहाँ स्ट्रेंथ की बात आए वहां मसल्स की बात हुई, बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका शक्ति प्रधानता वाले खेल यानी पावर बेस्ड स्पोर्ट्स में प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। जहाँ पे मसल्स बिल्ड होता है वहीं पे स्ट्रेंथ यानी शक्ति बिल्ड होगा। और सहनशीलता की बात करेगा तो कार्बोहाइड्रेट याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व गर्मी एवं ताकत प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड वर्म एंड स्ट्रेंथ? तो वो है आपका, तो वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। एक सेकेंड, यहां पे वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं? तो जैसे कि आर द न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज, तो विटामिन व खनिज, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है वो रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि कार्य कर रहा है, पोषक तत्वों को तीन भागों में बांटा गया है, ऊर्जा देने वाले, शरीर की मरम्मत करने वाले और रोगों से सुरक्षा करने वाले। ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट वसा, और शरीर की मरम्मत करने वाले टूट फूट को प्रोटीन, एंड शरीर की रोगों से रक्षा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने वाले हैं विटामिन एंड खनिज। विटामिन एंड खनिज इसकी कमी से उत्पन्न रोगों को अपूर्णता रोग कहते हैं। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए विटामिन खनिजों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है, तो यहां पे विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है। क्या होता है? विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या रिकेट्स होता है। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है? बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से होता है खाज खुजली, राइट हो जाएगा यहां पे स्कैबीज। बी ट्वेल्व को का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्बिन। इसकी कमी से रक्त की कमी यानी एनीमिया हो जाता है, यहां पे एनीमिया राइट होगा। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है? विच आर द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह रासायनिक नाम है विटामिन सी का, और विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल सबसे अच्छा ज्यादा पाया जाता है आंवला में, ठीक है, अमरूद, नींबू, टमाटर इन सभी में पाया जाता है विटामिन सी, बट सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में। और इसके अलावा जितने भी खट्टे फल हैं उन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का दोस्तों मुख्य कार्य होता है घाव को भरना और उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखना और अंतर कोशिकीय पदार्थ में मैट्रिक्स में कोलेजन तंतुओं, दांतों के डेंटाइन के निर्माण में सहायक होता है। इसी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन वुंड हीलिंग? तो वो होता है आपका विटामिन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें विटामिन सी है? विच आर द फॉलोइंग हैज विटामिन सी? यहां पे हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली आपका राइट होगा।
एंड नेक्स्ट है सीलिएक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सीलिएक डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। सीलिएक रोग विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी के कारण होता है। सीलिएक रोग छोटी आंत को नुकसान पहुंचाता है जहां पर लोहा, फोलेट, विटामिन डी और विटामिन 12 अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने के लिए जिम्मेदार होता है? विच ऑफ दीज विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी ग्रोथ एंड कीपिंग द बॉडी हेल्दी? तो शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन 1, 2, 4, विटामिन 5, 6, 7, 9, 12, इस सभी के सभी जो ग्रुप हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए सहायक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात का खतरा रहता है? तो डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ मेमोरी लॉस एंड पैरालिसिस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, B12। यानी शरीर में विटामिन B12 की कमी नवीन कोशिकाओं में उचित तरीके से गुणित होकर वृद्धि करने की क्षमता में कमी लाती है, जिससे नई कोशिकाएं तीव्रता से नहीं बनती और त्वचा पीली पड़ने के साथ साथ एनीमिया के लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं जब इसकी कमी होती है। तो यानी यह क्या कार्य करता है? यह कोशिकाओं को उचित तरीके से गुणित होकर वृद्धि करने की क्षमता प्रदान करता है। अगर नहीं, कमी हो जाता है तो क्षमता नहीं हो पाती है। अतः ऐसी स्थिति में दृष्टि संबंधी समस्याएं, मुंह में छाले आदि समस्याएं पैदा हो जाती है और विटामिन B12 की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात यानी पैरालिसिस की भी खतरा रहता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण है, व्हाट इज द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद विटामिन B12 डिफिशियंसी? इसका राइट आंसर है जैसे कि त्वचा का पीला पड़ना, मुंह में छाले, दृष्टि से जुड़ी समस्याएं, ये सभी। तो यहां पे ऑल ऑफ दिस, ये सभी समस्याएं होती हैं विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट है अल्प रक्त अल्पता। रक्त अल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है? रक्त अल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एनीमिया एंड ब्लड डिसऑर्डर्स? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12 की कमी। क्या होगा? विटामिन B12 की कमी यानी रक्त में हीमोग्लोबिन या रक्त कण की कमी हो जाने को एनीमिया अर्थात रक्त अल्पता रोग कहा जाता है। हमारे शरीर की सिराओं और धमनियों में जो खून प्रभावित होता है उसमें करीब आधा भाग रक्त कणों का होता है। ये रक्त कण ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न उत्तकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यानी कि RBC जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसमें हीमोग्लोबिन होता है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर शरीर की समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाता है जहां पे कोशिकाओं के माइटोकांड्रिया में ऊर्जा बनता है, इसलिए माइटोकांड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल रक्त कणों के निर्माण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन और B9 का रासायनिक नाम होता है फॉलिक
एसिड, ये दोनों रक्त के निर्माण में सहायक होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व? तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। क्या नाम है रासायनिक? साइनोकोबालमिन। एंड सभी विटामिन को रासायनिक नाम की वीडियो बना हुआ है, उस थ्योरी सेशन को आप देखेंगे तो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थायमिन, बी टू का राइबोफ्लेविन, बी थ्री का निकोटिनेमाइड, बी फाइव का पेंटाथोनिक, बी सिक्स का पाइरिडॉक्सिन, बी सेवन का बायोटिन, बी नाइन का फॉलिक अम्ल, बी ट्वेल्व का साइनोकोबालमिन जिसे कोबाल्ट पाया जाता है। एंड विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सिफेरॉल, ई का टेकोफेरॉल, के का फिलोक्विनोन और एच का बायोटिन। नेक्स्ट है, किस तत्व की कमी के कारण बेरीबेरी रोग होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट बेरीबेरी डिजीज ऑकर्स? ये राइट आंसर होगा आपका थायमिन, यानी विटामिन बी वन की कमी से, विटामिन बी वन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हेमरेज का खतरा बढ़ जाता है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेमरेज इन ह्यूमंस? यानी इसका राइट आंसर होगा विटामिन के, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक होता है और यह रक्त स्त्राव यानी कि हेम्योरेजिक में तथा घावों से अत्यधिक रक्त के बहने में बचाव करता है। इसकी कमी से रक्तहीनता हो सकती है। इसके मुख्य स्रोत हैं टमाटर, पालक, बंद गोभी, सोयाबीन, मछली, फूल गोभी, गेहूँ, अंडा एंड मांस। हेमरेज में क्या होता है कि नसें फट जाती हैं। क्या होता है, जो धमनियाँ होता है, रक्तवाहिनियाँ होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और जो रक्त का प्रवाह होता है अच्छे से नहीं हो पाता, प्रेशर उस पर बढ़ जाता है और नसें फट जाती है, उसी को हेमरेज कहते हैं। ज़्यादातर हमारे मस्तिष्क में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पर्याप्त कैल्शियम एवं विटामिन डी युक्त भोजन प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें ना हो पाए। क्या ना हो पाए? चिल्ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड विद एक्विट कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड सो दैट दे डू नॉट सफर फ्रॉम। तो बेरी कैल्शियम विटामिन डी युक्त भोजन किस बच्चे को देना चाहिए कि क्या ना हो पाए? तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर होगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स यानी सुखर। विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। यह आहार नाल की में भोजन से फॉस्फेट तथा कैल्शियम के अवशोषण एवं अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक होता है। विटामिन डी तथा कैल्शियम के नियमित आहार में अल्पता से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। रथ पर एक टॉफी इसका ट्रिक बना हुआ है। क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल। तो यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है, कैल्सिफेरॉल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसका होगा कैल्सिफेरॉल। ठीक है, कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सिफेरॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमिन विटामिन बी का, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का एंड टेकोफेरॉल आपका विटामिन ई का। विटामिन के का फिलोक्विनोन और विटामिन डी का कैल्सिफेरॉल।
विटामिन डी के बारे में अक्सर पूछा जाता है, एंटी रिकेटिक विटामिन भी इसे कहा जाता है विटामिन डी को। नेक्स्ट है, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एंटी रिकेटिक रिकेट विटामिन? तो एंटी रिकेटिक विटामिन जो है विटामिन डी को बोला जाता है, विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन बोला जाता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य के कीड़े हैं। सूर्य की कीड़ों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा यानी स्किन की कोशिकाओं के द्वारा होता है। याद रखिएगा, विटामिन डी का निर्माण सूर्य के कीड़ों के द्वारा हमारी स्किन के द्वारा होता है, स्किन की कोशिकाओं के द्वारा, जो कि यहाँ से निर्मित होकर रुधिर में सीरे मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त मक्खन, यकृत, अंडा, दूध, मछली का तेल इत्यादि से भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी कि अस्थियां मृदुल हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। विटामिन डी की दो कैटेगरी होती है, मेन होता है जिसे D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल और D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन डी टू अर्गोकैल्सिफेरॉल की कमी से टिटैनी यानी अस्थियों में ऐंठन हो जाता है और D3 कोलेकैल्सिफेरॉल की कमी से बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग, सुखंडी, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी मुड़ जाती हैं। और विटामिन D3 जो है कोलेकैल्सिफेरॉल होता है जो सूर्य की सीधी किरणों से प्राप्त होता है। इस कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डियां मृदुल हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थियों में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाती है, पतली द्रव्यमान में हो जाती है, बार बार टूटने वाली हो जाती हैं। और एक होता है वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज, जो सूर्य की सीधी किरणों से D3 कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है जो इंसुलिन को क्रियाशील बनाता है तथा मधुमेह यानी डायबिटीज बीमारी से बचाता है। नेक्स्ट है, विटामिन डी किस में पाया जाता है? विटामिन डी इज फाउंड इन व्हाट? तो इन ऑप्शंस में विटामिन डी किस में पाया जाता है जो ऑप्शन दिया हुआ है? तो यहाँ पे मक्खन, यकृत, अंडा यानी बटर, लीवर, एग, ऑल ऑफ दिस, इन सभी में पाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्सियोरकर रोग किस तत्व की कमी से होता है? क्वार्सियोरकर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच एलिमेंट? तो क्वार्सियोरकर रोग जो है, क्वार्सियोरकर मरास्मस, ये रोग होता है आपका प्रोटीन की कमी से। कौन किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर नामक तत्व से बना होता है। वे हमारे पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा अमीनो एसिड्स में बदल जाते हैं। इन अमीनो एसिड्स का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों, आंतरिक अंगों के निर्माण में किया जाता है। इसके बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है प्रोटीन्स को। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? तो विटामिन ए की कमी से प्रजनन संबंधी रोग होता है, रिप्रोडक्टिव डिजीज। विटामिन ई को बी2 विटामिन या एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, बाजपन रोधी भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए? तो इन सभी ऑप्शन में गाजर जो है वो प्रमुख स्रोत, कैरेट जो है प्रमुख स्रोत हो जाएगा। विटामिन ए इसमें दिए गए ऑप्शन में सबसे प्रमुख स्रोत गाजर है। इसके अतिरिक्त यह विटामिन आम, अंडे की जर्दी, मछली, टमाटर, पपीता, हरी सब्जियों, पालक, सीताफल आदि में पाया जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से जैसे रतौधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोसिस कॉर्निया, कलर ब्लाइंडनेस आदि रोग हो जाते हैं। यह विटामिन शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। इस विटामिन की कमी से त्वचा सूखी हो जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। विटामिन उन तत्वों की प्रतिरोधकता में वृद्धि करता है जिन पर जीवाणुओं के आक्रमण होने की आशंका होती है, इसलिए यह संक्रामक रोग से भी हमारी रक्षा करती है विटामिन ए। नेक्स्ट है, इनमें से विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए? इन जो ऑप्शन दिया गया है, नींबू वंश में विटामिन सी पाया जाता है,
जो आसन दिया है इसमें सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है ए खुबानी में, एप्रिकोट में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल में बी और सी आता है, उसके अलावा सभी ए बी ई के आपका होता है, फैट सोल्यूबल वसा में घुलनशील। तो यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? बी और सी पानी में घुलनशील है, तो यहाँ पे बी केवल दिया है, बी आपका राइट हो जाएगा, विटामिन बी आपका पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विच इज ए फैट सोल्यूबल विटामिन? तो फैट सोल्यूबल विटामिन है ए डी ई के, इसको याद कर सकते हैं कीडा। कैसे याद कर सकते हैं? कीडा, के ई डी ए, कीडा, जो ट्रिक के माध्यम से बताया गया है कीडा, जो वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है, भोजन के प्रमुख कार्य क्या है? तो भोजन का प्रमुख कार्य, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ फूड? तो भोजन का प्रमुख कार्य होता है नई कोशिकाएं बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, मेकिंग न्यू सेल्स एंड रिपेयरिंग डैमेज्ड सेल्स। नेक्स्ट है, पची हुई वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है? यानी कि जो वसा पच चुका है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर डाइजेस्टेड फैट टू बिकम यूजेबल फॉर एनर्जी? तो ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में पची हुई वसा को कितना समय लगता है? 6 घंटा। कितना लगता है? 6 आवर्स। यानी कि शरीर के लिए सभी पोषक पदार्थों की तुलना में वसा जो है सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है, लेकिन वसा का पाचन धीमी गति से होता है, अतः इसके द्वारा कार्य उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने में लगभग 6 घंटे तक का समय लग जाता है। वसा की धीमी पाचन गति को ध्यान में रखते हुए एथलीटों को तीव्र शारीरिक व्यायाम से ठीक पहले अधिक वसीय भोजन नहीं करना चाहिए, इसलिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत एनर्जी सोर्स है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स, तुरंत एनर्जी देता है, और जबकि इसको पचने के बाद भी ऊर्जा में कन्वर्ट होने में 6 घंटा लग जाता है, जबकि प्रति ग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? वसा, 9.1 कैलोरी, और प्रति ग्राम में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन देता है 4.1 कैलोरी। इसलिए सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलने पर भी आपको देर से पचता है, इसलिए सबसे ज्यादा हम 55-60% यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट का अपने आहार में। नेक्स्ट, सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने संख्या में खनिजों की आवश्यकता आवश्यक माना गया है? हाउ मेनी मिनरल्स आर कंसिडरेड इसेंशियल फॉर जनरल हेल्थ? तो हमारे सामान्य स्वास्थ्य के लिए कितने खनिजों को आवश्यक माना गया है, मिनरल्स को? तो 21। कितने माना गया है? 21 मिनरल्स को आवश्यक माना गया है। उसमें से इस मिनरल्स को दो भागों में बांटा गया है, एक मुख्य खनिज लवण यानी कि मेजर मिनरल्स यानी माइक्रो मिनरल्स बोलते हैं, और दूसरा लघु खनिज लवण यानी माइक्रो मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स भी कहते हैं। मुख्य खनिज लवणों में कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम है, एंड माइनर में माइक्रो मिनरल्स में आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, आयोडीन, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, सोडियम, फ्लोरीन आदि होते हैं। यहाँ पे कुल 21 तत्वों की आवश्यकता होती है, मिनरल्स की यहाँ पे नहीं पूछना चाहिए था, तो 21 खनिजों की आवश्यकता होती है हमारे शरीर के लिए, समान स्वास्थ्य के लिए। अब मुख्य प्रमुख पोषक तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन आदि होता है। खनिज लवण शरीर की जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मछली, फल, हरी पत्तेदार सब्जियां खनिज लवण के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं?
Which of the following foods contains almost all the elements of a balanced diet? तो संतुलित आहार के सभी तत्व निहित होते हैं दूध यानी कि मिल्क में, दूध यानी कि मिल्क में, यानी दूध को पूर्ण आहार कंप्लीट डाइट बोला जाता है, जो कि मनुष्य की सभी आवश्यकताओं अवस्थाओं के लिए सर्वमान्य भोजन है। दूध में संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं। इसमें लगभग 87% जल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम आदि भी समुचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, 33 क्वेश्चंस आज के वीडियो में था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और डेली बेसिस पर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।